अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम अपनी ASP.NET कोर की बेसिक्स की लर्निंग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिफ़ॉल्ट बिल्डर मेथड क्या करता है, और हमने इसका कोड देखा था जो बेसिकली आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड कर रहा था यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ जेसन फाइल, एनवायरमेंट वेरिएबल्स और फिर कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। और ये बिल्ड करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन अपने पास ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेगा, जिसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब हम देखते हैं कि ये स्टार्टअप की क्लास बेसिकली क्या है और ये क्या काम करती है। कुछ हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था मिडलवेयर के लेसन के अंदर भी। सो लेट्स सी। सो अब स्टार्टअप की क्लास को ओपन करते हैं। एक सिंपल क्लास है जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर आप आई कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहे हैं। इसका जो भी इसको इसका इंस्टेंस क्रिएट करेगा, हमारा ISC जो कंटेनर है वो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट रिसीव कर देगा। और जो भी हमने देखा था कि कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आई है थ्रू दिस हायरार्की फॉलो करते हुए, जो भी कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड हुई होंगी इसके थ्रू, वो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के पास होंगी। और आप इससे जब कहेंगे कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन दे दो, तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि इस फाइल से दो या कमांड लाइन से दो, बिकॉज इसने ओवर राइडिंग मैकेनिज्म के थ्रू प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड कर लिया। ये इसका वेरिएबल क्रिएट है जिसके अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन का इंस्टेंस स्टोर किया है। और यहाँ आप ये भी लर्न कर रहे हैं कि मुझे किसी भी क्लास के अंदर बाद में कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करना होगा, सिंपली मैं इस तरह इंजेक्शन के थ्रू ये डिक्लेरेशन करके उसका ऑब्जेक्ट रिसीव कर सकता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसके बाद आपको फंक्शन नजर आएगा कॉन्फ़िगर सर्विसेज का। बेसिकली ये फंक्शन आपकी सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए। सो हमने देखा था कि जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को देख रहे थे कि उसके अंदर रजिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। सो कॉन्फ़िगर सर्विसेज में आप अपनी जितनी भी रजिस्ट्रेशन वाला काम करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे करेंगे। अब चूंकि हम आइडियली जब हम प्लगइन यूज़ करेंगे या कोई मिडलवेयर यूज़ करेंगे या एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, तो उसने आपको मेथड एक्सपोज किया होगा कॉन्फ़िगरेशन का पहले ही। आप उसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, आपको खुद बताना नहीं पड़ेगा कि ये इंटरफेस और ये क्लास है। लेकिन अगर कोई आप ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो कि बिल्ट इन पार्ट नहीं है, तब आपको वो करना पड़ेगा। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपके कंट्रोलर्स हैं या क्लासेस यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, उनके लिए ये सर्विसेज खुद ब खुद ही उनको रजिस्टर करवा देता है, आपको उनको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती। सो यहाँ पे हम अपने MVC वाला जो है सर्विस, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। साथ वर्जन मेंशन कर रहे हैं कि इसका वर्जन क्या है। 2.2 हम यूज़ कर रहे हैं, कंपेटेबिलिटी वर्जन इसकी रिक्वायरमेंट है, ये मेंशन करना। इसके बाद कॉन्फ़िगर का मेथड है जो बेसिकली मिडलवेयर के लिए इस्तेमाल होता है। अब अपने जितने भी मिडलवेयर पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, रिक्वेस्ट पाइपलाइन कह लें उसको इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये दो वेरिएबल्स या दो मिल रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। आप और ऑब्जेक्ट्स भी लेना चाहें आप रिसीव कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लॉगिंग करवानी हो तो आई कैन रिसीव आई लॉगर, जैसे हमने मिडलवेयर वाली एग्जांपल के अंदर देखा था। मैं आई लॉगर का यहाँ पे रिसीव कर सकता हूँ, और इसको बताना पड़ेगा टाइप क्या है। टाइप मैं कह देता हूँ स्टार्टअप है, टाइप टी देना हमने है। यहाँ लॉगर वेरिएबल ले लेता हूँ, और फिर मैं इस लॉगर को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने कामों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इस तरह कर लेता हूँ। सो सिंपली आई एम नॉट केयरिंग अबाउट इट्स सब्जेक्ट, वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर जो IOC कंटेनर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ऑब्जेक्ट, इसको क्रिएट करते वक्त इसको ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करना। अच्छा, इसके बाद ये एक फंक्शन बिल्ट इन लिखा हुआ आपके लिए, जो कि चेक करता है कि हमारे एनवायरनमेंट का जो वेरिएबल है, ASP.NET कोर का जो वेरिएबल यहाँ पे भी डिफाइन है, आपने इसमें देखा था लॉन्च सेटिंग में ASP.NET कोर अंडरस्कोर एनवायरनमेंट का, उसमें डेवलपमेंट की स्ट्रिंग पड़ी है कि नहीं पड़ी। अगर पड़ी है तो इट मीन्स हम डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट कंसिडर कर रहे हैं, इसको उसकी बेस पे डिफरेंट चल रहे हैं। अगर डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट नहीं है तो हमने डिफरेंट काम किया यहाँ पे। उसके बाद टेम्पलेट ने आपके लिए कुछ बिल्ट इन जो यूज़ करने बिल्ट इन कुछ मिडलवेयर आपके लिए ऐड कर दिए, जैसे HTTPS रिडक्शन का मिडलवेयर है, स्टैटिक फाइल्स को यूज़ करने का मिडलवेयर है, कुकीज़ को पॉलिसी के लिए मिडलवेयर है, और फिर आखिर में आपको MVC का मिडलवेयर ऐड करवा दिया है। तो ये पूरा एक पाइपलाइन बिल्ड हो गया। आप इसके अंदर मल्टीपल मिडलवेयर और भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ऑथेंटिकेशन का मिडलवेयर अवेलेबल है, सेशन का मिडलवेयर अवेलेबल है, वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब एक एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमने ये बेसिक स्टार्टअप वाली फाइल होगी, एक थोड़ी सी चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हमें किसी कंट्रोलर के अंदर ये लॉगर को यूज़ करना हो या हमें कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग चाहिए हो तो वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो अगर मैं जाता हूँ यूज़र कंट्रोलर जो हमने पहले बनाया था, तो आपने सिंपली कुछ नहीं करना, आपने अपने कुछ नहीं से मुराद किया, आपने सिंपल अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो चीज़ें आपको चाहिए वो अपने उनकी डिक्लेरेशन कर लेनी है इस तरह करके। जिस तरह आई लॉगर के लिए वी नो दैट कि दिस इज़ अ सिंटैक्स, यहाँ टी पास करना होता है आपने, और कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल सा इंटरफेस आई कॉन्फ़िगरेशन, इनको मैंने रिसीव कर लिया है क्योंकि मैं अपने इस कंट्रोलर के अंदर लॉगर और कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैंने ये दो रिसीव कर लिए। अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ ना करना हो तो मैं ये रहने दूंगा, इसे इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि सिंपल लॉगर को रिसीव कर लूँगा। लॉगर भी यूज़ नहीं करना तो दोनों को रिसीव नहीं करूँगा, सो इट्स माई चॉइस। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिखाने के लिए ये बताया कि मैं लॉगर को यहाँ पे लॉगिन के अंदर लॉगिन करवा रहा हूँ कुछ, और साथ में कॉन्फ़िगरेशन से कर रहा हूँ सेटिंग रीड कर रहा हूँ वी वाली।
एक सेटिंग मैंने बनाई है माय ऐप वर्जन की, इसके अंदर ये वाली, उसके अंदर मैंने वैल्यू रखवाई और मैं इस सेटिंग को रीड करना चाहता हूँ कॉन्फ़िगरेशन के ऑब्जेक्ट के थ्रू। वो कैसे रिसीव कर सकता हूँ वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इसको रन करते हैं। मैंने अभी इसको रन किया है कंसोल एप्लीकेशन के तौर पर ताकि हमें लॉग नज़र आ सके। इसको सिंपल मैं करता हूँ यहाँ से रन। सो अब देखेंगे कि हमारा जो मिडलवेयर जब स्टार्ट हुआ है कॉन्फ़िगर का मेथड, उसमें हमने लॉगिन पास किया था, इसके अलावा कुछ और बड़े ज़्यादा लॉगिंग आने शुरू हो गए। ये हमारा वो आ रहा है जो कि हमने लॉग मैसेज करवाया था, वो यहाँ पे आ गई इन्फॉर्मेशन। बाकी वो लॉगिंग अपनी इंटरनल लॉगिंग प्रिंट कर रहा है, जो जिससे चल रहा है, डिफरेंट तरह के मेथड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनकी डिटेल हमें यहाँ पे मैंशन कर रहा है इसके साथ। अगर हम पेज पे आते हैं तो ये वो पेज दिखा रहा है। इसके अंदर अगर हम यूज़र के लॉगिन वाले एक्शन पे जाते हैं, यूज़र स्लैश लॉगिन, तो बेसिकली हमें अपने कोड में यहाँ पे ले आएगा। अब अगर आप यहाँ पे इसको F10 करें तो आपको कंसोल के ऊपर यहाँ पे ये मैसेज नज़र आ जाना चाहिए, ये वाला जो आपने प्रिंट किया है। सो इट मीन्स कि लॉगर हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। उसके बाद अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन से की रीड करता हूँ, मैं की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी डायरेक्ट की है, इसको रीड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली जब वैल्यू रीड करता हूँ मुझे 5 मिल जाएगा। सो इस तरह आप अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर कहीं पर भी लॉगिंग और कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेशन को भी देखेंगे कि सेशन किस तरह आप यूज़ करते हैं, क्योंकि सेशन अब बिल्ट इन अवेलेबल नहीं है, वो भी एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। एज ए मिडलवेयर अवेलेबल आपके पास है। इसको अगर मैं F5 कर देता हूँ सिंपली, ताकि लॉगिन का पेज चल जाए, नज़र आ गया हमें। सो हमने देखा क्या है, हमने ये देखा है कि आपके पास एक स्टार्टअप की फ़ाइल है जो कि हम पहले 2-3 दफ़ा तसली से देख चुके हुए हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे सर्विसेज अपनी रजिस्टर करवाते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाली। बहुत सारी बेसिक डिफ़ॉल्ट सर्विसेज खुद ब खुद रजिस्टर होती हैं, लेकिन अगर आप कोई कंपोनेंट यूज़ करते हैं जैसे MVC का यूज़ करना है उसको रजिस्टर करवाते हैं। यहाँ आप अपने मिडलवेयर्स रजिस्टर करवाते हैं ताकि आपका जो पाइपलाइन है, रिक्वेस्ट पाइपलाइन, उसके अंदर मिडलवेयर की पाइपलाइन बन सके। सो जिस तरह यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यूज़ हुई हैं, इस तरह अगर आपने मज़ीद भी करना है तो आपको जस्ट मेथड उसका ढूंढना है और आपने ऐड करवा देना है एट प्रॉपर प्लेस, तो आपके लिए वो मिडलवेयर अवेलेबल हो जाएगा। आई होप सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। अगर इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो सही लगी दूसरों से शेयर करें, और आपके पास ये साइट है लर्निंग इन उर्दू जहाँ पे डिफरेंट तरह के फ्री कोर्सेज और वीडियोस अवेलेबल हैं, ये भी लोगों से शेयर करें और देखें मज़ीद चीज़ें आप क्या सीख सकते हैं यहाँ से। थैंक यू।